राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है, जिसके बाद से आज खासतौर से विजिबिलिटी काफी प्रभावित हुई है। हम सबसे पहले आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि धुंध आज राजधानी दिल्ली में काफी ज्यादा देखने को मिली। हालांकि अभी धीरे धीरे जब धूप निकलने लगी है तो थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज विजिबिलिटी 150 मीटर रही, यानी कि इस मौसम में इस तरह से धुंध काफी दिनों बाद राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। आमतौर पर काफी जब सुबह के वक्त भोर के वक्त इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन अभी धूप निकलने के बाद भले ही सुधार हो रहा हो, लेकिन सुबह से ही राजधानी दिल्ली में विजिबिलिटी काफी प्रभावित है। मौसम विभाग के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तो वहीं उच्चतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। हालांकि धुंध के साथ साथ एक चिंता लोगों की और बढ़ जा रही है कि प्रदूषण की स्थिति क्या है। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण अभी भी बेहद खराब की स्थिति में बना हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI अभी वेरी पुअर की कैटेगरी में है, जो कि 369 है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है। यानी कि एक तरफ ठंड, धुंध, कोहरा और दूसरी तरफ प्रदूषण लोगों को परेशान कर सकता है। अब ऐसे में तमाम जगहों पर कोरोना को लेकर के छुट्टियां भी हो गई हैं बच्चों की, और काम भी 50% की क्षमता के हिसाब से हो रहा है, तो लोगों को थोड़ी राहत है, लेकिन अभी भी प्रदूषण लोगों के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, ABP न्यूज दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।